24 करोड़ में एक रुपए कम नहीं हो सकता, ज्यादा जरूर हो सकता है। इस बार की 110% गारंटी है, एक रुपए कम नहीं होगा। अगर किसी को 1% डाउट हो, मेरे साथ बैठे पूरे 24 साल जो पूरे 10 साल का मैं उसको हिस्ट्री दिखाऊंगा कि 24 करोड़ रुपए से कम है या ज्यादा है। अगर एक रुपए कम हुआ तो इस महीने की क्लोजिंग में जितना मेरा पेआउट बनेगा उतना पेआउट उसी का। यदि मैं बोलता हूं तो वो होगा तभी बोलूंगा, नहीं तो हवा में मैं बात नहीं करता हूं। क्योंकि सच बोलो अच्छा रहता है, क्योंकि सच बोलने का फायदा पता क्या होता है? आज मैंने यहां क्या बोला है मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कल वहां क्या बोलूंगा वो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच हमेशा सच ही होता है। तो अगर मैं सोता भी रहूंगा तो उठाएगा मुझे ना और कहेगा आपने अभी तक कितना कमाया है, तो 24 करोड़ ही निकलेंगे। लेकिन हाँ, इस साल की क्लोजिंग हो जाएगी 31 मार्च को तो वो बढ़ जाएगा, तो फिर वो अगले साल मार्च के बाद मिलेंगे तो कुछ और फिगर होगा। लेकिन वो फिगर एग्जैक्ट होगा, कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो 24 करोड़ रुपए, तो अगर मैं पैकेज की बात करूं तो 41 साल की उम्र और 24 करोड़ रुपए, तो पैकेज कितना हो गया साल का? करीबन 60 लाख रुपए हर साल, यानी जब से जन्म लिया तब से लेके आज तक, यानी कि एग्जैक्ट 60 लाख रुपए। 24 करोड़ डिवाइडेड 41 कर दो, 60 लाख, यानी जब से जन्म लिया तब से कमाना शुरू कर दिया इतना पैसा। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत से लोगों ने लूज मोशन लग गया होगा। और मजे की बात बताता हूँ, हमारे पास एलोडाइजेस्ट आता है, हमारे पास एलोवेरा आता है, और ये लूज मोशन में ये काम नहीं करता है। 24 करोड़ रुपए अभी तो शुरुआत है ना, जैसे मैंने कहा पहले महीने में 810 रुपए है ना, कोई 90 रुपए बता रहा था, कोई 200 रुपए बता रहा था, कोई 500 रुपए बता रहा था। तो 810 रुपए से इस बिजनेस का शुरुआत किया, पहले एक साल में जो है 1,10,000, दूसरे साल में 11 लाख, देखो जीरो बढ़ता गया, 1,10,000, 11 लाख, और बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। ये पावर किसकी है? मेरी नहीं, ये पावर है सिस्टम की। अगर मेरी पावर होती तो आज से 10 साल पहले ये सारा चीज हो चुका होता। अब ये तो था मेरा फायदा, अब नुकसान बताता हूं। नुकसान कि एवरेजन आज की डेट में साल की इनकम है 3 करोड़ रुपए। अब मैंने 5 साल बिजनेस छोड़ा, 5 साल बिजनेस छोड़ा, तो 1 साल का लॉस कितना हुआ? 3 करोड़ रुपए। तो 5 साल का लॉस 15 करोड़ रुपए, यानी कि मैंने 15 करोड़ रुपए गवा के बिजनेस करना सीखा। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले 10 साल से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 10 साल से, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन चंद लोगों को समझ में आता है, और जिन चंद लोगों को समझ में आता है वो धीरे 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 काम करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है कि यार ये बिजनेस पता किसका है? जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना, जिसके पास कोई काम नहीं होता। क्योंकि 90% आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाओगे तो हर एक लीडर जब स्टेज पे आता है तो वो बताएगा मैं गरीब था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास पैसे खाने के लिए नहीं थे, बच्चों के स्कूल के फीस देने के लिए नहीं थे, मेरे पास ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, गाड़ी में जो है तेल डलवाने के पैसे नहीं थे, पंचर बनाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को किया, कामयाब हो गया। हकीकत बात है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वही आदमी कुछ करता है, और जिसके पास होता है उसको करने की जरूरत क्या है। अब अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी आके ये तो नहीं बोलेगा कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब डॉक्टर आनंद वाजपेयी ऑलरेडी डॉक्टरी की डिग्री 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, तो वो तो ये नहीं कहेंगे मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था। भाई अगर जो डॉक्टर बना है पढ़ लिख के, तो उसके पास उसके घर वालों के पास चाहे जैसे भी रहा होगा पैसा रहा होगा, तभी पढ़ाया है बच्चे को। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में मेडिकल की पढ़ाई बड़ी सस्ती है ना, बड़ी सस्ती है। अगर इतनी सस्ती है कि हर एक आदमी पढ़ा लेता है अपने बच्चे को, पढ़ा लेता जी नहीं है ना, यानी कि पैसा लगता है। लेकिन ऐसे लोग आपके पास आएंगे कब, सवाल ये आता है ऐसे लोग आपके पास आएंगे कब,
जब आपका काम करने का तरीका सही होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, तभी आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, आज मेरे साथ डॉक्टर वाजपेयी जी आए, कैसे आए? क्योंकि उन्होंने एक चीज सिखाई ना कि हम लोग आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। मैं देखता हूं आईएमसी बिजनेस में जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते के साथ ही डॉक्टर बन जाता है। हर बीमारी का इलाज मेरे पास, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसको, घर वालों को बोल दिया कि इसको ले जाओ, और गलती से कोई आईएमसी का एसोसिएट वहां पहुंच जाता है, कहता मेरी गारंटी है हिमालयन बेरी पिला इसका ऑक्सीजन हटा, है ना। अब जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ले जा इसको गंगा जल पिला, और हम क्या कह रहे, मेरी गारंटी है इसको हिमालयन बेरी पिला, वो एक्चुअल में हिमालयन बेरी जैसे ही पीता है, हिमालयन बेरी नीचे भी नहीं जाता, उसके प्राण ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे उसके प्राण ऊपर गए, फिर पता क्या होता है, उसका परिवार सामने वाले का प्राण निकाल लेता है। तो ये क्या नॉलेज की कमी। डॉक्टर बनने में 18 से 20 साल लगे, कितने साल, 18 से 20 साल। हम 18 घंटे पहले ज्वाइन किया है एमसी को, मात्र 18 घंटे पहले ज्वाइन किया है, और 18 घंटे पहले ज्वाइन करते के साथ ही हमने एक आधी गलती से वीडियो देख ली है, यूट्यूब फेसबुक, डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर अख्तर खानवाला, अफीन मेमन प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हो क्या बात है, और गलती से उसको याद आ रहे, हाँ मेरे पड़ोस में तो इसको गठिया की प्रॉब्लम है, वो उठा अपना झोला उठाया और पहुंच गया उसके पास गठिया ठीक करने के लिए। 2 दिन पहले तक तो वो पंचर लगा रहा था, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, 2 दिन पहले तक वो पंचर लगा रहा था, उसके पड़ोसी को पता ही पंचर लगा रहा था, और पंचर भी ठीक से लगाना नहीं आता इसको, और ये आ गया गठिया ठीक करने मेरी, वो मेरे घुटने रहेंगे या वो बेचने के लिए आया पता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जितना प्यारा बिजनेस है ना, लेकिन सीखने की जरूरत है, और जो व्यक्ति सीखने पे फोकस नहीं करता ना, वो व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आज की डेट में भी इस बिजनेस में 10 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जो काम मेरे को नहीं आता ना, मैं कभी भी करने की कोशिश नहीं करता हूं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो काम सही नहीं हुआ तो वो काम खराब हो जाएगा, तो उससे बेटर है ना कि मैं उस काम को करूं ही नहीं। मेरे बारे में आज तक कभी भी, बहुत से लोग मेरे YouTube चैनल पे होंगे, Facebook पे होंगे, Instagram पे होंगे, कभी भी उस चैनल पे आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलता हुआ। अपना काम नहीं है यार, 18 साल लगाए अगले ने, पढ़ाई किया, डॉक्टरी की डिग्री ली है, वो अपना काम है करने दो ना, मेरा काम नहीं है, अपने बस का नहीं है वो चीर फाड़ करना, है ना, वो पेशेंट को हैंडल करना, वो अपने बस की बात नहीं है। अपन इस बिजनेस में आए इसलिए थे, सीधा सा एक सवाल, इस बिजनेस में आए किस लिए थे, सपनों के लिए, पैसों के लिए? तो पैसे कमाने के लिए आए थे या डॉक्टर बनने के लिए आए थे? पैसा कमाने के लिए ना, तो पैसा कमाने के लिए आए थे तो इंफॉर्मेशन लो, लोगों को इंफॉर्मेशन दो और बिजनेस को बड़ा करो। मैंने इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण के लिए ज्वाइन किया था, पैसे के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसों की दिक्कत थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लोगों को इलाज करना है, लोगों को ठीक करना है, वो प्रोडक्ट का काम है, लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, अपने को प्रोडक्ट पहुंचा देना, बात खत्म, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना, बात खत्म, 2-4-5 डॉक्टर को टीम में ज्वाइन करवा लेना, वो ठीक करता है अपना, उसकी सरदर्दी अपनी सरदर्दी नहीं है, उसके पास लाइसेंस है। अगर एक आम आदमी ने किसी को कोई दवाई दी और वो मर गया, उसको जेल होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। अगर वही काम एक डॉक्टर करता है क्या होगा? नहीं होगा, वो पहले ही साइन करवा लेता है
कि बेटा मैं इसको ले तो जा रहा हूं अंदर, वापस ये आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। और ऊपर से लोग परिवार खुशी खुशी साइन करते हैं, हाँ ठीक है ले जाओ अंदर, अंदर से आने की गारंटी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट देते हो तो क्या कहते हैं, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है? तो हम कहते हैं मैं बैठा हुआ हूं ना, मेरी गारंटी। अबे तेरी गारंटी कौन लेगा, तूने तो प्रोडक्ट की गारंटी ले ली, लेकिन तेरी गारंटी बाद में कौन लेने वाला है, कोई नहीं लेने वाला है। तो समझो डायरेक्ट सेलिंग है क्या। प्रोडक्ट नो डाउट वर्ल्ड क्लास के हैं, वर्ल्ड क्लास के। डॉक्टर मत बनो, मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर मत बनो, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 18 से 20 साल लगते हैं।